हेलो एवरीवन। सो आगे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डिकम्पोजिशन। इसमें हमारे पास प्राइमरी डिकम्पोजिशन में मिनिमल जो डिकम्पोजिशन है और डिकम्पोजेबल आइडियल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है कि प्राइमरी डिकम्पोजिशन क्या होती है किसी आइडियल की। तो प्राइमरी डिकम्पोजिशन में हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई आइडियल है किसी रिंग R का, अगर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द प्राइमरी आइडियल्स। अगर कोई आइडियल लिया हमने और वो आइडियल जो है, अगर वो फाइनाइटली मैनी प्राइमरी आइडियल्स की इंटरसेक्शन है, तो हम कहते हैं कि I जो है इट पोजेस द प्राइमरी डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन ऑफ एन आइडियल आई वी मीन द एक्सप्रेशन ऑफ आई एज द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी आइडियल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हम आइडियल लेंगे वो प्राइमरी आइडियल्स होने चाहिए। और इस केस में जो है, जब भी आई के पास प्राइमरी डिकम्पोजिशन होगी तो आई जो है उस केस में इस तरीके से लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द प्राइमरी आइडियल्स। ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, इसको आपने समझना है, यहाँ पे फाइनाइट है। और आई आई जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, दे आर द प्राइमरी आइडियल्स। ईच आई आई इज़ अ प्राइमरी आइडियल। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी नोटेशन जो है ये समझने के लिए, एक्चुअल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इसको आई आई बिलोंग्स टू इस आइडियल का है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन जो नोटेशन है, मतलब आपने ये चीज़ समझी कि यहाँ पे फाइनाइट इंटरसेक्शन है और ये आई आई जो आइडियल्स हैं ये प्राइमरी होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि आई जो है वो पोजेस करता है प्राइमरी डिकम्पोजिशन। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक पहली बात तो ये है कि एवरी आइडियल जो है इट नीड नॉट टू पोजेस द प्राइमरी डिकम्पोजिशन। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आइडियल किसी रिंग के अंदर प्राइमरी डिकम्पोजिशन को पोजेस करे। और दूसरी बात, अगर किसी आइडियल की के लिए प्राइमरी डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है तो उसका यूनिक होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये आपने चीज़ जो है, दो बातें ध्यान में रखनी है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन। मतलब जब हम कोई आइडियल लेते हैं उसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन लेते हैं तो मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन कब होती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मान लीजिए आई हमारे पास कोई आइडियल है और ये आई की जो है प्राइमरी डिकम्पोजिशन है, तो इस प्राइमरी डिकम्पोजिशन को हम मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन कब कहेंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि ये जो आइडियल्स आ रहे हैं यहाँ पे, आई आई आइडियल्स आ रहे हैं, हमें पता है कि ये सारे के सारे जो आई आई आइडियल्स हैं वो प्राइमरी आइडियल हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो प्राइमरी आइडियल्स हैं इनका जो रेडिकल है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम आर आई वन लें, जो इंटरसेक्शन में आई वन आइडियल है उसका रेडिकल लें, वो रेडिकल ऑफ आई टू के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही अगर तीसरा आइडियल भी यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ रहा है, आई थ्री आ रहा है, उसका रेडिकल भी ना आई वन के रेडिकल के इक्वल होना चाहिए ना रेडिकल आई टू के। मतलब ये है कहने का कि इन सभी का जो रेडिकल है, जो ये आइडियल्स हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं प्राइमरी डिकम्पोजिशन में, दीज आर द प्राइमरी आइडियल्स, उनका जो रेडिकल है वो डिस्टिंक्ट हो। तो जो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इन प्राइमरी आइडियल्स की, एक आइडियल को छोड़ के, जैसे हमने आई वाला आइडियल छोड़ा, बाकी सभी आइडियल्स की इंटरसेक्शन ली है, वो इंटरसेक्शन जो है वो आई आई में कंटेंड नहीं होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आई वन हमने आइडियल नहीं लिया, जैसे आई जो है वो इंटरसेक्शन है मान लीजिए आई आई आइडियल्स की, आई वेरी करता है वन टू एन, यहाँ पे एन थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने पहला आइडियल छोड़ दिया और हमने जे लिया, कहाँ से, टू से लेके टेन तक लिया, मतलब जे की वैल्यू हमने वन नहीं ली, तो ये जो है, ये वाली जो इंटरसेक्शन है वो आई वन के अंदर कंटेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही
जो इंटरसेक्शन होगी उन सभी आइडियल्स की, जहाँ पे जैसे जो जिसमें आई टू हम नहीं लेंगे, वो उन सभी आइडियल्स की इंटरसेक्शन जो है वो आई टू के अंदर कंटेन नहीं होनी चाहिए, तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। सो इसका मतलब ऐसे आपने समझना है, इसका मतलब ये भी है, इसको अगर आपने समझना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर ईच आई, यहाँ पे ईच आई भी है, जैसे कि फॉर ईच आई हमारे पास देयर विल एग्जिस्ट एक्स आई, फॉर ईच आई देयर विल एग्जिस्ट एक्स आई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई जे, वेयर जे आई के इक्वल नहीं होगा, एक्स आई बिलोंग ऐसा एलिमेंट होगा जो इस इंटरसेक्शन को तो बिलोंग करेगा, लेकिन वो जो एक्स आई है वो आई आई को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये इस चीज़ का मतलब है, कंटेन नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है हमारे पास जो इस इंटरसेक्शन में तो है और आई आई में नहीं होगा, दैट इज़ वाई जो ये है इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ। जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पे केस लें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स वन एक ऐसा एलिमेंट है, कोई एक्स वन ऐसा एलिमेंट होगा कहाँ पे, रिंग में, जो मेन रिंग है हमारे पास, ये भी एक्स एलिमेंट आर रिंग में आएगा, एक्स वन हमारे पास एलिमेंट होगा रिंग आर में, सच दैट एक्स वन जो है वो इस इंटरसेक्शन को तो बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स वन जो है वो आई वन को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब एक्स वन जो है वो इंटरसेक्शन आई आई, या जहाँ पे हम आई 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 की जो वैल्यू है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जे जो है वो आई नहीं है, जे सॉरी यहाँ पे वन आ जाएगा, जे वन नहीं है, अंडरस्टूड है कि जे वन जे जो है वो 1 से 10 तक वेरी करता है, वन नहीं है मतलब ऑब्वियसली वो 2 से 10 तक की वैल्यू जाएगी। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वन एलिमेंट होगा, यहाँ पे फिर से एक बार, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे, तो एक्स वन हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा जो कि यहाँ पे जे जो है 2 से लेके जब हम 10 तक जा रहे हैं उसको तो बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स वन जो है वो आई वन को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक्स वन आई टू को भी बिलोंग करेगा, आई थ्री को करता है, अप टू आई टेन करना है, लेकिन एक्स वन आई वन में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने समझना है, एक ऐसा एलिमेंट है जो आई सभी आइडियल्स को बिलोंग करेगा सिर्फ आई आई को छोड़ के, जैसे एक एलिमेंट होगा जो सभी एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा आई वन को छोड़ के, ऐसा एलिमेंट होगा जो सभी आइडियल्स को बिलोंग करेगा आई टू को छोड़ के, ये जो है इस स्टेटमेंट का मतलब जो है वो ये चीज़ है। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा काफ़ी अच्छे से, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट होगा रिंग के अंदर ये बिलोंग्स टू, ऐसा एलिमेंट है रिंग का एक्स आई, यहाँ पे एक्चुअल में रिंग का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स आई बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स आई इसको तो बिलोंग करेगा लेकिन वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि आई जो है वो मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन को पोजेस करता है, आई हैज़ द मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन।